नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका जन्मदिवस है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं VLS फाइनेंस लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 387 रुपया, मार्केट कैप 1349 करोड़ का, करंट प्राइस 387 रुपये और बुक वैल्यू 857 रुपये। तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है, इसी कारणवश इसका स्टॉक पी बहुत ही कम है, जो कि 4.14 है और ROC 14.1% और ROE 11.8%। ROC और ROE भी इस शेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। 52 का हाई लो 455 रुपये और 182 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.39% का और फेस वैल्यू 10 रुपये। एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, तो देख सकते हैं सितंबर 2024 के अनुसार 52.02% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। FIH का भी होल्डिंग बढ़ा है, जो कि 2.14% हो चुका है। DIH के पास में नाम मात्र का है और पब्लिक के पास में 45.81% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 29,252, यानी कि इतना पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में, यानी कि इसका शेयर इतना पोर्टफोलियो के अंडर में है। अब एक नज़र VLS फाइनेंस लिमिटेड, जो कि BSEIndia.com वेबसाइट का नाम है, इस पर इस शेयर का प्राइस 387 रुपया 60 पैसे, यानी कि 60 पैसे। तो 387 रुपया 60 पैसे का स्टॉक, जो कि आज के डेट में 5.50 रुपये ऊपर की तरफ बढ़ा है इस स्टॉक का शेयर प्राइस। यहाँ पर अपडेट न्यूज कुछ भी नहीं है लेटेस्ट, जहाँ पर स्टॉक मार्केट धराशायी हो रही है वहाँ पर इस स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज 48.16% का है, तो काफ़ी अच्छा है। बट क्वांटिटी ट्रेड 2961 और डिलीवरी क्वांटिटी 1426। अब एक नज़र डालते हैं NSEIndia.com वेबसाइट पे, तो यहाँ पर इस शेयर का प्राइस 383 रुपया 5 पैसा, नाम मात्र का बढ़ा है आज के दिन में इस स्टॉक का शेयर प्राइस। यहाँ पर भी डिलीवरी परसेंटेज 43.07% का है, जो कि ऐसे स्टॉक के लिए ऐसे टाइम में डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही अच्छा माना जाएगा मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक का शेयर प्राइस हो सकता है थोड़ा सा और डाउन आए, जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड बना रही है एक दो दिन बीच करके, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।